जलसा था तो उसकी सदारत जो थी ना वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने की थी। आप कहते हैं जहे इज्जत एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद। अभी इकबाल के ने ना इसमें ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं कि तमाशा तो देखो के दोजख की आतिश। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के साथ मोहब्बत और अकीदत के बारे में सर आप क्या कहेंगे? जितनी हमें है ना उससे मिलियन टाइम्स ज्यादा समझने को। क्या बात है। और वो भी डेफिनेटली उनको अपना आइडियल मानते थे। सही है। और शायरी के हवाले से उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। सही है। इस ज़िमन में एक वाकया भी है ना कि ये मेरे पास इस वक्त मौजूद भी है, वो लिखा हुआ कि अंजुमन इस्लामिया सियालकोट का जलसा था 1929 में, 1929 में, तो वहाँ पर वो जलसा था तो उसकी सदारत जो थी ना वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने की थी। सही है। अच्छा, अब जो है ना वो एक लड़के ने, नात खां ने वहाँ पर नात शरीफ पढ़ी। बड़ा खूबसूरत आला हज़रत का कलाम है, आला हज़रत का कलाम उस नात में उन्होंने पढ़ा था और जलसे में पढ़ा। कलाम था आपका कि जहे इज्जत व एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद। इसका बहुत जो है ना वो मशहूर ज़माना शेर है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ये कलाम पढ़ा गया तो जब कलाम जो ख़त्म हो गया और फिर अल्लामा इकबाल को सदारती खिताब के लिए या वो जो होता है उनका एड्रेस होता है उसके लिए बुलाया गया, तो आपने अपनी बात का जो है ना वो आगाज़ पता कहाँ से किया? आपने इसी ज़िमन में इसी जो है ना वहीं पर बैठे बैठे शेर इसी रदीफ़ और काफ़िए पर लिख कर जो है ना वो साथ पेश किए कि ये भी इसमें शामिल किए जाएँ। वो शेर मैं आपको सुनाता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो। फरमाते हैं अभी इकबाल के ने ना इसमें ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं कि तमाशा तो देखो के दोजख की आतिश। क्या बात है। तमाशा तो देखो के दोजख की आतिश, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। दूसरा शेर बहुत खूबसूरत है। ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला। ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला। ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तो ये है जो इकबाल अलैहि रहमा का जो है ना वो आपसे इश्क है, जो आपके साथ आपकी एफिलिएशन है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी क्या है? वजह उसकी सिंपल एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, इश्के मुस्तफा। सुभान अल्लाह। बिल्कुल। इकबाल अलैहि रहमा ने शिकवा जवाब शिकवा लिखा जी। अच्छा, जब एंड पर बात की तो कहां पर बात खत्म? इतनी लंबी बहस, इतनी लंबी बहस। पहले शिकवा लिखा तो लोगों ने तलवारें निकाल ली, मारने आ गए। जवाब शिकवा भी इतनी लंबी बहस की, इतनी लंबी बहस करके एंड पर क्या बात की जो बहुत खूबसूरत इकबाल की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब दोनों को जोड़ना है मामले को कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उजाला कर दे। तो ये है जो आपका जो था वो इश्क था। तो ये एक वाकया था। मजीद भी इसमें डिस्कशन हो सकती थी इकबाल और आला हज़रत की। कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो फिर एक स्पेसिफिक इस पर ब्लॉग बनाएंगे।